देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। इटावा जिला चिकित्सालय भीमराव अंबेडकर में महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अशोक जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इटावा संसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा जी रहे एवं उन्होंने बताया, नारी शक्ति महान है एवं नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। विद्या की आवश्यकता पड़ती है तो माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ती है, और वही शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ती है। जीवन के हर क्षेत्र में नारी शक्ति की भूमिका महान है। इस कार्यक्रम में सीएमएस अशोक जी व सांसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा जी के द्वारा नौनिहाल बच्चों को किट देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में इतना ही नहीं बल्कि हाल में ही जिला अस्पताल में जन्मित बच्चियों के नाम से जिला चिकित्सालय परिसर में सांसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा व सीएमएस अशोक जी एवं सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार गोस्वामी के साथ पौधे भी लगाए गए। से और अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐसी माताओं को मैं बहुत बधाई देता हूं जिनकी बच्चियों का आज जन्म हुआ है। और इस जन्म को ध्यान में रखते हुए इस मातृशक्ति और भारत माता की शक्ति और इस वसुंधरा की शक्ति को समझने का ठीक से आजादी के बाद अगर किसी ने समझा है तो केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। तो मां वसुंधरा की शक्ति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई प्रतिष्ठित लोग मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि गोपाल मोहन शर्मा जी, भीमराव अंबेडकर महिला चिकित्सालय सीएमएस डॉक्टर अशोक, जिला प्रमोशन अधिकारी अधीक्षक मनोज कुमार, सर्वप्रिय समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार गोस्वामी, जिला बचत अधिकारी अरविंद शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन गुप्ता, महिला कल्याण अधिकारी दीपाली सिसोदिया एवं जिला चिकित्सालय के छोटे बड़े सभी डॉक्टर और नर्सों ने उत्साहपूर्वक जन जागरूकता अभियान में भाग लिया। इटावा से संवाददाता अनिल गोस्वामी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।